नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। नए नए विषयों के साथ हम रोज़ मिलते हैं और काफ़ी लोगों की काफ़ी समस्या का समाधान जैन धर्म के अनमोल ग्रंथ, हमारे पूर्वाचार्य गुरुदेवों का मार्गदर्शन, वर्तमान गुरुदेवों का विशिष्ट कोटि का संशोधन के माध्यम से कई लोगों की कई समस्या में आराम मिला है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या हमारे घर में, हमारे बॉडी के ऊपर और हमारे दुकान में से नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करें। बैड एनर्जी दिन प्रतिदिन खूब बढ़ रही है, खूब विपुल प्रमाण के अंदर, विचारों के अंदर एक दूसरे से दूरियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे समय में एक छोटी सी चीज़ हमने पूरी तरह से तैयार की है। अक्षय तृतीया के दिन नज़ीक आ रहा है। आप सभी लोगों के घर पे सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी का वास हो, पुण्य लक्ष्मी धार्मिक कार्य सम्पन्न बने, इसके साथ साथ सारी बेड एनर्जी आपके घर में से दूर हो, इसके लिए वीडियो आपको पूरा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले नंबर की बात कि जितना भी आपके घर के अंदर मंदिर है, बहुत सारे लोगों ने कई सारे फ़ोटो, कई सारी चीज़ें मंदिर के अंदर लगा के रखी है, आज से जैसे आप वीडियो सुनते हो सारी चीज़ों को आप पूरी तरह से साफ़ कर दीजिए। जैसे दो तीन पार्श्वनाथ भगवान की अलग अलग तस्वीर है, फ़ोटो है, तो उन सभी को एक में कर दीजिए। एक पार्श्वनाथ परमात्मा आपने रख दिया तो 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का समावेश हो जाता है। दूसरे नंबर की हम बात करें तो बहुत सारे छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, और कुछ लोगों के घर का जब हम वास्तु करते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी है, अलग अलग धातु की जो नेगेटिव प्रतिमा हो गई है, बहुत सारे लोगों के घर में टूटी फूटी प्रतिमा जी है, यंत्र है, तो ऐसे सारा सामान को निकाल दीजिए। क्योंकि ईशान कोना या आपके घर का जो मंदिर है वो रोज़ सुबह में आपको एक माइंड के अंदर कमांड देता है। यदि मंदिर ही बराबर नहीं होगा, मंदिर ही डिस्चार्ज हो गया होगा या मंदिर में ही नेगेटिविटी हो गई होगी, तो समझ लेना कि आप नए विचारवंत आइडिया आप ला ही नहीं सकोगे। तो सबसे पहले मंदिर को शुद्ध कीजिए, शांत कीजिए, और साथ साथ में जितने भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि चांदी के यंत्र है, सोने के यंत्र है, बहुत सारे लोगों ने महंगे महंगे स्टोन भी पहने हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सियार सिंगी हाथा जोड़ी एकाक्षी नाड़ी दक्षिणावर्ती संघ, फिर भी जो पावर आना चाहिए वो पावर घर में नहीं आ रहा है, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो उनके लिए हमने एक स्नात्र चूर्ण बनाया है, केसर कस्तूरी गोरोचन 8 जात की वस्तुओं का मिलन करके। तो ये अक्षय तृतीया के दिन या उसके आसपास में जब भी टाइम मिले, आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी को गंगा जल से, गुलाब जल से, अष्टगंध से, स्नात्र चूर्ण से पूरी तरह से आपको उसको साफ करके फिर से स्थापन करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप साफ नहीं कर सकते, पानी में नहीं डाल सकते, तो उसके ऊपर 21 दिन तक रोज़ अष्टगंध से आपको पूजा करनी है, स्नात्र चूर्ण से आपको पूजा करनी है। तो इससे ऑटोमेटिक वो चार्ज हो जाएगा। जैसे हम लाख रुपये का, 50,000 का, 10,000 का कोई भी मोबाइल लेते हैं, रात को उसको चार्ज करना पड़ता है। हम उत्साह से गुरु महाराज साहब जी के पास से, पंडित जनों के पास से, गुरु जियों के पास से कोई भी चीज़ तो हम ला देते हैं, लेकिन उनकी पूरी पूजा नहीं करने के कारण धीरे धीरे उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो पहले नंबर के अंदर जितनी भी आपकी पूजा की चीज़ें हैं, यंत्र है, मंत्र है, स्टोन है, गुरु शनि मंगल आदि कोई भी महंगे से महंगा स्टोन है, तो उसको बराबर अमावस्या चतुर्दशी अमावस्या आ रही है तो उसके पहले पूरी तरह से उसको साफ सफाई कर दीजिए। बेस्ता महीने के दिन गुरु महाराज का वासस के भगवान का पक्षाल और ये स्नात्र चूर्ण अष्टगंध से आप उसकी पूजा कीजिए और फिर स्थापना करके आप देखिए कैसा जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी, काम करने की गति, घर में प्रेममय मधुरता, लंबे समय से बीमारी भी है तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। दूसरा हमने एक खास संशोधन किया है कि मंदिर को तो हमने पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, बिना काम की सारी चीज़ों को निकाल दिए, अब घर में से वास्तु दोष, भवन में से वास्तु दोष, ऑफिस में से वास्तु दोष कैसे दूर करें। तो जैसे आप कहीं पर घूम करके आते हो, धूल के अंदर मिट्टी आती है, उनके साथ साथ में नेगेटिव एनर्जी आती है, साथ साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपकी तरक्की से डिस्टर्ब होते हैं, वो उस अथाक प्रयत्न करने के बाद जो ऊंचाइयां आपने प्राप्त की है वो नहीं प्राप्त करते, अंदर ही अंदर उनको कुछ नेगेटिव भाव उत्पन्न होता है। तो 18 चीज़ें मिला करके समुद्री नमक, सिंधव नमक, पिंक नमक, फटकड़ी, कपूर, जिसका जबरदस्त प्रभाव है, ऐसे 18 चूर्णों को मिला करके एक नेगेटिव ऊर्जा निवारण पूरा एक किट तैयार किया गया है,
जो पूरे घर में बैक्टीरिया है, नेगेटिव एनर्जी है, पूरी ओरा को चेंज कर देंगे। वो 18 वनस्पति से मिला करके जो चूर्ण तैयार किया है उसको पोचे के अंदर, घर की जब साफ़ सफाई होती है तो उसमें एक चम्मच डाल करके आपको यूज़ करना है। कहीं पर आपका कोना कट रहा है, कहीं पर कोना बढ़ रहा है, कहीं पर आपको लग रहा है यहाँ से बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, शरीर में यदि थकान आ गई है तो जो अपना गले से नीचे का भाग है उसमें भी आप डाल करके स्नान करते हो तो सारी आपकी जो नेगेटिव ओरा है, ब्लैक मैजिक है, वो पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। 21-21 दिन मंदिर का शुद्धिकरण और घर का शुद्धिकरण हम 108 परिवार के साथ में पूरे भारत के अंदर स्वस्थ परिवार हो, उत्तम परिवार हो और हर प्रकार की तरक्की जबरदस्त आप सभी के जीवन के अंदर हो, तो अपने परिवार को ही आप गिफ्ट दे सकते हैं। स्नात्र चूर्ण और ओरा क्लीनिंग पाउडर का पूरा एक संपुट है, आपने बहुत कम दाम में लागत मूल्य के अंदर हमने बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटा सा छोटा परिवार अपने पूरे मंदिर को साफ करें, जो भी यंत्र मंत्र चीज़ों को फिर से जागृत करके, हजारों लाखों रुपये का स्टोन लोग पहनते हैं पर रिजल्ट धीरे धीरे कम हो जाता है तो उनको वापस चेंज करें। छोटा मकान हो, बड़ा मकान हो, शरीर के अंदर प्रॉब्लम है, दुकान में प्रॉब्लम है, वो सारी नेगेटिविटी क्षेत्रपाल देवी के असीम आशीर्वाद के साथ ये 18 औषधि युक्त ये आपका जो चूर्ण है उनसे आप पूरी तरह से घर का शुद्धिकरण करें खूब आनंद से। और भी कोई वास्तु संबंधी, ज्योतिष संबंधी कोई भी आपका सवाल है जरूर आप खुद यूज़ कीजिए, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताइए। 10 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख चुके हैं, 18,000 से ज़्यादा लोग यूट्यूबर के अंदर सब्सक्राइब हो चुके हैं, अभी इसी वीडियो के साथ आप जुड़े हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और ये पूरी किट से जो काम आपको लाखों रुपए से लाभ नहीं हुआ है ये किट से आपको आपके जीवन के अंदर खूब बेनिफिट हो, खूब लाभ हो। आपके समस्या ये वीडियो बनाते हैं ये हमारी किट से कुछ भी दूर होगा तो ये हमारा अथक प्रयत्न सफल होगा। जरूर आप हमें आशीर्वाद दीजिए, नए विषय के साथ वापस मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।